शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। प्यारे अब्बा, महीने से ज्यादा हो गया है आपको हमसे बिछड़े हुए। आपके साथ जो हुआ वो गलत था। सच बोलने की कीमत तो नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ बोलने की ये कीमत बहुत ज्यादा है। मैं सोचती हूँ कि सिर्फ बोलने की इतनी बड़ी सजा दी गई आपको। वो लोग अगर इतने सच्चे होते तो वो जवाब देते, आपका मुंह ना बंद करवाते। शहीद अरशद शरीफ की बेटी ने खुले खत में लिखा, जब भी कोई आपको कहता था कि बोलने से पहले अपने बच्चों का तो सोच, अल्लाह पालेगा मेरे बच्चों को, ये हुआ करता था आपका जवाब। अब तक जितने लोग भी आए सब यही कहते रहे थे, अल्लाह ऐसी शहादत सबको दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह ने शहादत तो दी कि वक्त के फिरौनों ने बहुत जुल्म किया, लेकिन वो ये तो जानते ही नहीं कि ऐसा जनाजा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। त्यारे गैर में, खानदान से दूर, अपनों से दूर जान देनी पड़ती है। दो कपड़ों में दो माह गुजारने पड़ते हैं। बड़ा जिगरा चाहिए होता है। पुस्तलों के बस की बात नहीं है ये। अरशद शरीफ की बेटी ने शिकवा किया है कि आप बड़ी दिलेरी से लड़े। अब्बा, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकती कि सब लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया। वो जो कहते थे कि हम हमेशा साथ हैं, मुश्किल वक्त में साथ ना थे। वो सब डर गए, वो सब तो पीछे हट गए, वो सब तो अपनी बात से ही मुकर गए। लेकिन आप तो फिर भी लड़ते रहे। मुझे याद है आप कहते थे, मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के लिए एक हीरो हैं। आपके लिए मेरा प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर गुजरता दिन मेरे अंदर एक खालीपन का एहसास पैदा करता है। हर गुजरते दिन के साथ मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे वक्त को पीछे कर दूँ ताकि एक आखिरी बार आपको गले लग सकूँ, एक आखिरी बार आपको ये बता दूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। काश ऐसा हो सकता। मुझे याद है आखिरी बार जाने से पहले आपने गले लगा के बोला था, परेशान मत हो, जल्द वापस आऊंगा।